अब कैबिनेट विस्तार को भुनाने में बीजेपी कितनी कामयाब हो पाएगी तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल सभी की नजरें प्रत्याशियों के ऐलान पर हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार बीजेपी ने बृजभूषण का टिकट काट दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कैसरगंज से अगर बृजभूषण चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? आपका सांसद आपकी सीट में, आज बात कैसरगंज लोकसभा सीट की। आपका सांसद आपकी सीट में, आज बात करते हैं कैसरगंज लोकसभा सीट की। कैसरगंज सीट बृजभूषण शरण सिंह की वजह से चर्चा में है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से 51 उम्मीदवारों की घोषणा की। बीजेपी की पहली लिस्ट में कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है। बृजभूषण सिंह पिछले 2 साल से काफी विवादों में हैं। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर बीजेपी बृजभूषण को कैसरगंज से प्रत्याशी नहीं बनाती तो फिर किसे बनाएगी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि बृजभूषण का टिकट कटा हो। इसके पहले भी उनका टिकट एक बार बीजेपी काट चुकी है। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। 1991 में पहली बार गोंडा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। गोंडा में उनकी मनकापुर राजघराने से अदावत जग जाहिर है। 1991 में बृजभूषण शरण सिंह ने मनकापुर राजघराने के राजा आनंद सिंह को हराया था। वैसे कैसरगंज उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इस संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 1952 में यहां पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ। इस लोकसभा क्षेत्र में बहराइच और गोंडा जिले के कुछ इलाकों को शामिल किया गया। इनमें से 2 विधानसभा क्षेत्र बहराइच जिले के अंदर आते हैं और 3 गोंडा जिले का हिस्सा है। लखनऊ से इसकी दूरी 96 किलोमीटर और दिल्ली से इसकी दूरी 649 किलोमीटर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बसपा के चंद्रदेव राम यादव को 261,601 वोटों के अंतर से हराया था। बृजभूषण शरण सिंह को पिछले चुनाव में यहां से 581,358 वोट मिले थे। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के कुल वोटर्स की बात करें तो यहां 18 लाख से ज्यादा कुल वोटर्स हैं, जिनमें से 968,534 पुरुष मतदाता तो वहीं 837,343 महिला मतदाता शामिल हैं। बृजभूषण शरण सिंह यूपी की सियासत के बड़े ही माहिर खिलाड़ी रहे हैं। बृजभूषण अब तक 7 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और 6 बार जीत भी चुके हैं। 1991 में उन्होंने गोंडा सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 1998 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गोंडा सीट से जीत दर्ज की। 2004 में बीजेपी ने उन्हें बलरामपुर से टिकट दिया और उन्होंने जीत दर्ज की। 2008 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर क्रॉस वोटिंग के कारण उन्हें भाजपा से निकाल दिया गया। 2009 का लोकसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैसरगंज लोकसभा सीट से लड़ा और जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। बृजभूषण ने कैसरगंज से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 में भी वो कैसरगंज से ही सांसद चुने गए थे।